अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दस मुहर्रम अल हराम को जो करने के काम हैं उनमें से एक तो रोज़ा रखना है। दूसरा अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी हदीस के हवाले से है, बेहकी की रिवायत है और इसको अगरचे कई मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में, अमल के बाब में ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन कबूल फरमाते हैं। हदीस ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दस मुहर्रम को अपने अहलो आयाल पे वसात करेगा अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल पूरा साल इस पे वसात फरमाएगा। तो इसलिए दस मुहर्रमुल हराम को अपने घर वालों पे खाने पीने में वसात करें और जो खाना आम दिनों में होता है उससे ज़रा अच्छा बना दें। अगर रोज़ा रखा हुआ है तो सहरी इफ्तारी में अच्छा इंतज़ाम कर दें। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह सारा साल रोज़ी की फरावानी होगी, वसात नसीब होगी। हज़रात सहाबे किराम फरमाते हैं कि हमने इसका बारहा तजर्बा किया और हमने इस अमल को जब कर लिया तो पूरा साल इसको बिल्कुल सच्चा हदीस को पाया कि अल्लाह पाक ने हमें पूरा साल खूब रिज़क अता फरमाया। इसलिए इस हदीस पर भी अमल किया जा सकता है, इसको गलत कहना ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन इस अमल को फ़र्ज़ वाजिब समझना ये भी ठीक नहीं है। फजीलत है, हदीस रसूल है, इस पर अमल करें इंशाल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल करने की बहुत सारी बरकात नसीब होंगी।